हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज भगवद गीता के कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगा कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि हम सब चाहते हैं, जब हम खास करके हमारे बच्चों को बड़े कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जितने बुद्धिमान होते हैं इतने अच्छे अंक मिलेंगे उनको, उतना अच्छा उज्जवल भविष्य होगा। तो बुद्धि की एक परिभाषा है, साधारणतः हम ये परिभाषा देखते हैं कि कितने मार्क्स कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा में लाता है उतना वो बुद्धिमान कहलाता है। पर यह बुद्धि का एक पहलू है। भगवद्गीता में भगवान बुद्धि को बताते वर्णन करते हुए बताते हैं वे कि वास्तव में बुद्धि जो है वह हमारे अंकों से नहीं, हमारे कार्यों से दिखी जाती है। कई बार ऐसे लोग होते हैं, मैं अभी कुछ समय पहले अमेरिका में था, तो वहाँ पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे मेरा प्रवचन था, तो वहाँ पे गया था। अभी MIT जो है ये दुनिया का सबसे नामवंत इंस्टीट्यूट में से एक है, और वहाँ पे भी वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे ये बता रहे थे कि विद्यार्थियों में एडिक्शन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो विद्यार्थियों को स्ट्रेस आ जाता है, उस स्ट्रेस से राहत प्राप्त करने के लिए वो पहले कुछ माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स लेने लगते हैं, कोई मन को बदलाव करने वाले से कुछ ड्रग्स लेने लगते हैं, और फिर बाद में वो उन पर निर्भर हो जाते हैं, और कई विद्यार्थियों का जीवन उससे उद्ध्वस्त हो जाता है। एक बार वो उससे आसक्त हो गए, उससे बद्ध हो जाते हैं, और फिर वह छूट ही नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो परीक्षा में याद करना और बताना उसके बारे में उनको बहुत बुद्धि, पर अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में जो बुद्धि है उसकी कमतरता है। तो भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं बुद्धि की परिभाषा क्या है। बोलते हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये कहते हैं कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कुछ चीज़ें हमें करने को अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें करने को अच्छी नहीं लगती। तो कई बार हम हमारे भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, पर जो व्यक्ति समझता है कार्य कार्य भया भये, यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, यह मुझे इस चीज़ के इस करने से डरना चाहिए, यह चीज़ करने से डरने की ज़रूरत नहीं है, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, यह मुझे बंधन में डालेगा, यह मुझे आज़ादी देगा। जो बुद्धि ये समझती है, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, भगवान कहते हैं ऐसी बुद्धि ये अच्छी बुद्धि है। तो आजकल के शिक्षण पद्धति में हम सबको वो बुद्धि दी जाती है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर सकें, हम जो जानकारी है उसको याद करके उसको दोहराना वह काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, पर यह जो जानकारी है इस जानकारी का विश्लेषण करना यह बुद्धि का एक ही पहलू है। महाभारत में वर्णन आता है कि दुर्योधन जो था एक तरह से बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी जो बुद्धि थी वह उसके इच्छाओं के द्वारा ग्रस्त हो गई थी। अभी अगर हम बुद्धि की परिभाषा देखते हैं, कोई विद्यार्थी होते छोटे बच्चे होते उनको वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है, आपको वीडियो गेम्स अच्छा लगता है? तो अभी कोई कई बार जो विद्यार्थी छोटे बच्चे होते वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलना भी आसान नहीं होता है। कुछ वीडियो गेम्स ऐसे होते हैं कि ये करो वो करो वो करो, उस वो करने के लिए भी बुद्धि लगती है। पर अगर वही व्यक्ति लड़का लड़की करते रहेगा हमेशा के लिए, तो फिर वो कार्य करने के लिए बुद्धि लगती है, पर वो कार्य करते रहना ये बुद्धि नहीं है।
just because doing something requires intelligence doesn't mean doing it is intelligent. अभी कोई खेल रहा है, कोई अभी चेस खेलता है, शतरंज खेलता है, शतरंज खेलने के लिए बुद्धि लगती है. पर अगर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के सिर्फ शतरंज ही खेलते रहे तो वह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है. अगर प्रोफेशनल चेस प्लेयर बनना चाहता है वो बात अलग है. पर अधिकांश लोग जो खेल इसलिए करते हैं कि वे अपने साधारण जीवन से कुछ ब्रेक, रिलैक्सेशन, कुछ थोड़ा राहत प्राप्त कर सके. तो क्या है कि कुछ जस्ट बिकॉज समथिंग रिक्वायर्स इंटेलिजेंस डजेंट मीन डूइंग इट इज इंटेलिजेंट. तो कई बार आजकल के समाज में हमें ऐसी प्रशिक्षण मिलता है कि जिससे हम जानकारी का विश्लेषण करने में काफ़ी निपुण हो जाते हैं, पर उसके बावजूद जब जीवन में हमें फैसले करने होते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, वह हम पर हावी हो जाती है. और छोटे बच्चे अगर होते हैं तो उन्हें खेलना है, बस खेलना उनको अच्छा लगता है, ये स्वाभाविक है. पर अगर सिर्फ वो हमेशा खेलते रहेंगे तो फिर उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा. इस तरह से भले ही उनको खेलना भावना अच्छा लगती है, भावना मतलब हम कहते हैं बुद्धि के स्तर पर, मतलब आपको जो जिम्मेदारी का कार्य है पढ़ाई करना है वो करो. तो उसी तरह से जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो हमारी भावनाएं कभी कभी हमारी बुद्धि पे हावी हो जाती है. अभी एक इसका बहुत ही खतरनाक रूप जो है वह है कुछ व्यसन हो जाते हैं लोग, आसक्त, वो एडिक्ट हो जाते हैं. कुछ कुछ लोग यहाँ तक तो आत्महत्या के लिए भी चले जाते हैं. तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो मन की भावनाएं हैं वह व्यक्ति की शत्रु बन जाती है. हमारी भावनाएं हमारे शत्रु नहीं हैं, पर कभी कभी भावनाएं हमारे खिलाफ कार्य करती हैं. तो यह समझना कि जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, जो इच्छाएं आ रही हैं, वह मेरे हित के लिए है या अपहित के लिए है, यह बुद्धि की जिम्मेदारी है. इंटेलिजेंस मीन्स द कैपेसिटी टू इवेल्युएट आर डिज़ायर्स, कि किस प्रकार की इच्छाएं मुझ में आ रही है और ये इच्छाओं पर कार्य करना है या नहीं करना है, यह जो क्षमता है उसको वास्तव में बुद्धि कहते हैं. जब हम शिक्षण पद्धति में प्रशिक्षण लेते हैं तो हमें ये बुद्धि नहीं मिलती है. अभी अर्जुन की भी ऐसी परिस्थिति थी कि उसकी भावनाओं के कारण वह बोल रहा था कि मैं भी युद्ध नहीं करूँगा, पर भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया उसके अनुसार फिर जो उनके कर्तव्य था करने के लिए वे तैयार हो गए. तो बुद्धि की परिभाषा जो है वह है कि हमारे भावनाओं को हम जांच करके, हमारी इच्छाओं को परीक्षण करके, जो भावना जो इच्छा उचित है उसके अनुसार कार्य करना, यह वास्तव में बुद्धि की परिभाषा है. किसी को मैं जो ये प्रवचन होगा तीन विभागों में लूँगा, तो ये पहला विभाग था. यहाँ पे किसी को कोई सवाल है अभी तक, एनी क्वेश्चन और कमेंट? हमारी जो डिज़ायर है प्रभु, हम कैसा जाने क्या हम वी आर डिज़ायरिंग राइट और रॉन्ग? ओके, गुड क्वेश्चन. कि जो हमें इच्छा आती है वो कैसे जाने कि हम वो सही है या गलत है. अभी इसके लिए महाभारत में तीन फैक्टर्स बताए, तीन चीज़ें बताई गई है. तो कहते हैं इंटेंट, कंटेंट और कॉन्सिक्वेंस, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और इसका क्या परिणाम होने वाला है. किसी एक चीज़ से हम फैसला नहीं कर सकते ये सही है गलत है. कभी कभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि झूठ बोलना गलत है, सच बोलना अच्छा है. तो यह है कंटेंट के अनुसार हम देख रहे हैं कि सही बोलना अच्छा है, गलत बोलना बुरा है. और इस तरह से हम जो कहते हैं जो अच्छा और बुरा, ये एक दो कैटेगरी हो गए, दो बक्से हो गए. इस बक्से में जो भी है वो अच्छा है, इस बक्से में जो भी है वो बुरा है. और ये साधारणतः हम फैसला कर सकते हैं. कई बार हमें बचपन से सिखाया जाता है कि चीज़ें अच्छी है, चीज़ें बुरी है. और वह इसको कहते हैं कि कैटेगोरिकल मोरालिटी. मोरालिटी इज़ कैटेगोरिकल. इस बक्से में, इस
विभाग में जो है वो सही है, इस विभाग में जो है वही गलत है। पर वही परिस्थिति हमेशा नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई आतंक चल रहा है शहर, और कोई आतंकवादी हमारे एक मित्र के पीछे पड़े हुए, और मित्र दौड़ते हुए हमारे घर में आता है, मुझे बचाओ, और हम उसको हमारे घर में छिपा देते हैं, फिर वो आतंकवादी हमारे घर पे आके दरवाज़ा खटखटाते हैं, तोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पे है क्या, तो क्या हम सच बोलेंगे? तभी सच बोलेंगे नहीं। क्यों? सच बोलना अच्छा है, पर यहाँ पे यहाँ पे इंटेंट नहीं, यहाँ पे कुछ और कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। अब परिणाम क्या होगा? सच बोलने से उस व्यक्ति की जिंदगी जा जाती है। तो इसीलिए हमें जब क्या कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है वह भी देखना जरूरी है। और फिर साथ साथ कई बार हमें कुछ ऐसा होता है कि हमें करना पड़ता है, पर हमारा जो उद्देश्य होता है वह देखना है। तो उद्देश्य जो होता है, अभी कोई छोटा बालक है वह दवाई लेना चाहता है, तो माँ शायद वो दवाई की गोली एक चॉकलेट के अंदर डाल देती है और उसको खिला देती है। तो अभी वो दवाई खाना नहीं चाहता है, पर चॉकलेट में दवाई मिल जाती है, बाद में अगर उसको पता चलता है कि दवाई थी इसमें, तो फिर भी क्या हो गया? उद्देश्य क्या था कि वो अच्छा है कि वो अपने बच्चे को दवाई देना चाहती है। तो हमें देखना है कि कई हमें जो शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं, तो शास्त्रों के अध्ययन से सबसे पहले हमें ये कैटेगरी है जो है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, ये शास्त्रों के आधार पर हमें पता चलता है। जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उतनी हमारी बुद्धि सतर्क बनती है, बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, और फिर उसके अनुसार हमें चलता है कि कौन सी चीज़ें सही है कौन सी चीज़ें गलत हैं। पर उसके साथ शास्त्रों के शास्त्र एक तरह से हमारे लिए एक मैप नकाशे के समान है, तो ये रास्ता इधर जाएगा ये रास्ता इधर जाएगा, ऐसे हमें पता चलता है। पर ज़िंदगी में हम जा रहे होते हैं, अगर कोई लंबा सैर करना है लंबा सफ़र करना है तो सिर्फ उसके लिए एक रास्ता नहीं होगा। अच्छा ये रास्ते से जाओगे तो आपको, अगर हम गूगल मैप देख रहे हैं, इससे एक घंटा लग जाएगा, इससे एक घंटा 10 मिनट लग जाएगा, इसको 50 मिनट लग जाएगा, तो हम शायद बोले 50 मिनट का रास्ता ले लूँगा, पर शायद बाद में कुछ परिवर्तन हो जा सकता है, यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ गई, तो इधर से जाओ इधर से कम पड़े। तो कभी क्या होता है कि हम एक फैसला कर लेंगे पर वही फैसला हमेशा तक चलेगा ऐसे ज़रूरी नहीं। तो लाइफ इज़ डायनामिक, जिंदगी परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए शास्त्र हमें सिर्फ ऐसे नियम नहीं बताते, शास्त्र हमें सबसे पहले तत्व बताते हैं जिससे कि हमें कार्य और उनका परिणाम क्या होता है ये समझ सकते हैं। पर साथ साथ वे असली जीवन में शास्त्रों में खास करके पुराणों में और इतिहासों में वहाँ पे जो अलग अलग व्यक्ति हैं अलग अलग हस्तियाँ हैं वह असली जीवन में कार्य कैसे करते हैं इसका उदाहरण देके हमें हमारी बुद्धिमत्ता का और विकास करते हैं कि हम ये जो उद्देश्य है परिणाम है और कार्य है तीनों को देख के फिर हम फैसला कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि अरे ये जो मैं करना चाहता हूँ ये सही है या गलत है मुझे पता नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में तभी हमारी जो बुद्धि बोलेगी तभी हम कर सकते हैं, पर बाद में हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो कैसे होता है कि कुछ चीज़ें सफ़ेद होती है कुछ चीज़ें काली होती है और बीच में बहुत सी चीज़ें होती है ग्रे होती है। तो अभी जो ग्रे में होती है जो चीज़ें वो हम जो सफ़ेद और काले के बीच में है वो कहाँ है समझना मुश्किल हो जाता है। पर जिस हद तक हम जब सफ़ेद और काले को समझ के सफ़ेद को अपनाते हैं और काले को दूर रखते हैं उस हद तक हमारा जो अंदर का विवेक है वह सक्षम हो जाता है। भगवान हमारे अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में है और वह वास्तव में हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो जिस हद तक हम जब जानते हैं सही क्या है वो करते हैं उस हद तक भगवान देखते हैं कि हम सही कार्य करना चाहते हैं, और फिर जब सही गलत क्या है वह अस्पष्ट भी होता है तभी भगवान हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो वो जो परिस्थितियाँ होती है जब सही गलत समझना मुश्किल होता है तो वही वह परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा विचार करने की जगह पर हम जब जो परिस्थितियाँ हमें पता है सही गलत क्या है वहाँ पे सही करना और गलत टालना जब हम करते हैं तो वो परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन हमें अंदर से मिल जाएगा। थैंक यू। कोई और सवाल है?
Yes, please. How will you help a child to develop an emotional intelligence? Like, a child is emotionally very weak. What do you mean by emotionally weak? Emotionally weak means a child who cannot control his emotions. You take him to a mall or something, but he's very stubborn and he's like, I just want it. And he starts crying and he breaks down and he starts doing something which is not correct. We see so many kids in the mall, you know. So how will you help? तो अगर कोई छोटा बालक है जो अपने भावनाओं के पूरा हावी हो जाता है, कोई चीज़ देख लेता है तो मुझे अभी चाहिए, रोने लगता है, तो ऐसे ऐसे बच्चों को हम कैसे और उनकी बुद्धि का विकास करा सकते हैं? तो साधारणतया हमारे जो कार्य है वह हमारे कार्य पांच चीज़ों से प्रवृत्त होते हैं। सबसे पहले चीज़ है हमारा पूर्व कर्म, हमारे पूर्व जो हम सब है आत्मा है और हम पूर्व जन्म में अनेक कार्य किए हुए हैं, तो उसके अनुसार हमारी मानसिकता होती है। तो अभी कोई दो बच्चे भले ही जुड़वे क्यों ना हो, फिर भी जैसे वो बड़े होते हैं उनका व्यक्तित्व अलग होता है। विज्ञान में बताते हैं कि टू काइंड्स ऑफ ट्विन, मोनोजाइगोटिक एंड बायजाइगोटिक। तो एक प्रकार के जुड़वे होते हैं, उनके सारे जो जीन्स होते हैं शत प्रतिशत समान होते हैं, पर फिर भी मैं लंदन में था, एक प्रवचन दे रहा था, तो तभी दो व्यक्ति थे जो एक्चुअली मोनोजाइगोटिक ट्विन थे, शत प्रतिशत शारीरिक स्तर पे एक है, पर फिर भी उनका व्यक्तित्व अलग था। तो हमारा जो कार्य होता है वो पूर्व जन्म के कर्मों से प्रवृत्त होता है, वह उसे निर्धारित नहीं होता है पर प्रवृत्त होता है। वह एक कार्य, एक चीज़ है जो हमारे हमको कार्य करने का प्रवृत्त करता है। दूसरा है कि हमारा पोषण, जिस प्रकार से हम बड़े होते हैं हमारे बचपन में, कि जिस प्रकार पे हमारे माता पिता होते हैं, जिस प्रकार पे हमारा परवरिश होती है बचपन में, वह दूसरा है। तीसरा है हमारा संघ, जिस प्रकार के लोगों के बीच में हम रहते हैं। चौथा है, ये तीनों चीज़ें हमें किसी कार्य की ओर ढकेलती हैं, पुश करती हैं, पर यह फोर्स नहीं करती। पुशिंग मतलब मैं ढकेल जा रहा हूँ, फोर्स मतलब मैं ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ये ढकेला जाएगा तो मैं ढकेल सकता हूँ वापस। ये तीनों चीज़ें हमें प्रवृत्त करती है। इन तीनों चीज़ों के परे हमारी स्वेच्छा है, हम सबके पास स्वेच्छा है, जिससे भले ही हमें किसी प्रकार का कार्य करने के लिए प्रवृत्त किया जाए, हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। और पांचवा जो है वो भगवान की कृपा। अभी भगवान की कृपा जब हो जाती है तो उससे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारी जो स्वेच्छा है वह और शक्तिशाली हो जाती है, भले ही हमें प्रवृत्त बड़े ही शक्ति से किया जाए, हम उसका प्रतिकार और कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारी स्वेच्छा और शक्तिशाली हो जाती है, और जो भक्ति करते रहते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धिकरण मतलब क्या होता है, ये जो बाकी का प्रभाव है पूर्व कर्मों का, परवरिश का, संघ का, वह हम पर जो प्रभाव होता है वह कम होने लगता है। तो अभी ये जो यह दिस इज़ ब्रॉडली द साइकोलॉजी ऑफ एक्शन, कि ये हम किस तरह से कार्य करते हैं उसका मनोविज्ञान है। तो अभी जो बच्चे होते हैं या वह सब हम किस प्रकार से उनके जीवन, उनके बारे में यह विश्लेषण लगा सकते हैं कि जब हमें हर एक बच्चा जो होता है पूर्व कर्म से अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व का होता है, उसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी जो परवरिश है और जो संघ है उसको हम अभी जहाँ तक हो सकते नियंत्रण कर सकते हैं। अभी हम जब बड़े हो गए तो हमारे परवरिश को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, पर जब छोटे बच्चे होते हैं उनके परवरिश में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो होता है कि आजकल के वातावरण में संघ ऐसे होता है कि अलग अलग प्रकार के प्रलोभन हमें दिखाई देते हैं, तो बच्चों को भी इतने सारे खिलौने दिखते हैं, इतनी सारी चीज़ें दिखती है, टीवी पे हो गए ऐसे बोले, आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे दिखती है। तो जो इच्छाएं जब आती है, तो मैं अभी यूरोप में कई देशों में ऐसे नियम बनाए हैं कि कोई बच्चे किसी उम्र के है 3, 4, 5, उस उम्र के पहले उनके प्रति कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता। क्या उन बच्चों को वो बुद्धि नहीं है कि ये एक विज्ञापन है समझ सके वो, तो उसे और आकर्षित हो जाते हैं। वास्तव में भी जो बड़े लोग हैं उनको भी बुद्धि है कि नहीं, वो बात हम कर सकते हैं जब विज्ञापन आ जाते हैं तो हम भी प्रलोभित हो जाते हैं, पर
ऐसे अपेक्षा होती है कि हम में वो बुद्धि हो कि अच्छा ये तो विज्ञापन है, ये शत प्रतिशत सही नहीं होगा, समझो और जांच करनी चाहिए। पर वैसे जो वो जो क्षमता होती है वो छोटे बच्चों में कम होती है। मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे होते चिल्ड्रन टेक थिंग्स एट फेस वैल्यू, चाहिए अच्छा दिखता ही चाहिए मुझे, अब जितना अच्छा दिखता है उतना वो अच्छा होगा ही या नहीं यह वो ज़रूरी नहीं है, वह जांच करने की जो बुद्धि उनमें नहीं होती है। तो इसीलिए यह पार्श्वभूमि से हम समझ सकते क्या है कि अभी देखिए ये चीज़ें अगर हम दो सर्कल्स बनाते हैं, एक चीज़ है जो बच्चों के लिए अच्छी है और दूसरी चीज़ें जो है वो बच्चों को अच्छी लगती है, ये दोनों अलग होता है, क्या अच्छा है और क्या अच्छा लगता है। तो अभी ये दोनों अलग है पर शत प्रतिशत अलग नहीं होते, इसमें कई जगह पे ओवरलैप भी होता है, कुछ चीज़ें उनको अच्छी भी लगती है और वो अच्छी भी होती है। कुछ ऐसे खिलौने भी हो सकते हैं कि वो एजुकेशनल टॉयज होते हैं, वो खेलते भी हैं उससे कुछ सीखते भी आते हैं। तो अभी इस सर्कल में जो भी है उस पर जोर देना चाहिए। तो अगर बच्चा बोलते मुझे कुछ चाहिए और देखिए नहीं लो तो रोने लगेंगे, पर क्या है कि उस समय जब इच्छा जागृत हो जाती है तो वो चाहते कि ये इससे मुझे आनंद मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, यह मुझे चाहिए। बट जो बच्चे होते हैं उनको जो इच्छा होती है और इच्छा का परिणाम होता है द डिज़ायर, रिजल्ट ऑफ द डिज़ायर इज हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट दे थिंक, मुझे ये चीज़ से सुख मिल जाएगा। पर अगर उनको कुछ किसी और चीज़ से सुख मिल जाए जो उनको अच्छा लगता है वो अगर देते हैं उस समय तो फिर उससे वह जो इच्छा है कम हो जाए। तो अभी यह उसका हमें जो ऑब्जर्वेशन जो निरीक्षण करके यह दो सर्कल्स के बीच में क्या आता है वह देखना ज़रूरी है, जो उनके लिए अच्छा है और वो अच्छा भी लगता है। अगर वो चीज़ वो सर्कल में जो भी वो जो जो इलाके में जो भी चीज़ें हैं वह हम विचार करके हमारे पास रखते हैं और वैसी चीज़ें अगर बच्चों को देते हैं तो फिर वह जो होते हैं जो उनको अच्छी लगती है पर अच्छी नहीं है वैसी चीज़ों की जो प्रति इच्छा होगी वो कम हो सकती है। जैसे भावना बच्चों में भावनाएं कैसे होती आती है तो बहुत तीव्र होती है, पर आती है तीव्र रहती है पर चली जाती है। तो इसीलिए हम केवल जो भी बोलते हैं रोने लगते इसलिए उसका करना ज़रूरी नहीं है, पर उनके भावनाओं को हम पूरी तरह से उसको हमको अनसुना भी नहीं कर सकते जो कर रहे हो। तो इसलिए अगर हमें पता करता है कि वो दो सर्कल्स के बीच में कहाँ जगह है तो उनको जो अच्छा है और अच्छा लगता भी है वो देते हैं, उनको सिर्फ जो अच्छा है देते हैं तो वो उनको वो स्वीकार नहीं करेंगे, पर जो अच्छा है और जो अच्छा लगता है देते हैं तो फिर उससे वो शांत हो सकते हैं। कोई और सवाल है? जब हमारे मन बुद्धि काम नहीं करती है साथ में तो फिर हम फैसला कैसे कर पाएंगे क्या करना है, राइट? क्या सवाल है? देखिए क्या होता है इसमें कि हमारी मन और हमारे बुद्धि जो होती है जो मन अधिकांश रूप से इच्छाओं भावनाओं के आधार पर जाता है। मन जो होता है वह शॉर्ट टर्म देखता है, अभी अच्छा लगता है मुझे करना, जैसे बोला जो अच्छा लगना और जो अच्छा है होना। तो बुद्धि क्या है वो अच्छा है वो देख सकती है, पर मन जो होता है जो अच्छा लगता है उसके अनुसार जाता है। तो अभी क्या होता है जिस तरह से हम बच्चे बोलते हैं मुझे ये करना है, अजय बच्चा कहता है कि मुझे चाकू से खेलना है तो माँ बोलेगी नहीं किसी और चीज़ से खेलो इससे मत खेलो। तो क्या होता है कि हमारा मन एक बच्चे के समान है। भगवान छठवें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं चंचलम भी मना कृष्ण, चंचल मतलब एक छोटे बालक का लक्षण। तो हमारा मन जो है एक बालक के समान होता है। तो अभी जो बुद्धि होती है वो एक माता या पिता के समान हो जाती है।
तो हमारी बुद्धि एक जो थोड़ी परिपक्व होती है तो फिर वो मन को संयमित कर सकती है। पर जैसे आप कह रहे हैं कई बार हमारी बुद्धि भी अनियंत्रित जाती है, तो उस समय ऐसे नहीं है कि हमारे जीवन में जो मन की इच्छाएं आती है, मन की भावनाएं आती है, वह आके हमेशा रहती है। जो प्रलोभन होता है, जो भावना होती है, वो आती है। अगर हम उसका ऐसे ग्राफ देखते हैं तो वो कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे घर में आती है तो कभी इलेक्ट्रिसिटी का सर्ज हो जाता है, तो ऐसे वो कभी कभी बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाती है कुछ समय के लिए, फिर कम हो जाती है, फिर शायद कुछ और घंटों के बाद, कुछ और दिनों के बाद वापस वो आ जाती है। तो जो ऐसे होता है कि हमारे भावनाएँ जब वो बहुत बढ़ जाती है तभी शायद जो हमें नहीं करना है वो हम कर भी दें, पर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ठीक है, अब ये कर दिया तो मैं वही करते रहूँगा, नहीं ये कर दिया मैंने पर ये मुझे करना नहीं चाहिए था, तो अभी मैं जो सही है करने लगूँगा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई नाव सागर में जा रही है तो लहरें ऐसी आ जाती है सागर में कि वो नाव जाना चाहती इधर पर कहीं और जाने लगती है, पर वो जो लहरें हैं हमेशा नहीं रहती। कोई कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना, तूफान 24 घंटे नहीं रहता है। तो हमारी चेतना है उसमें भी ऐसे भावनाओं या इच्छाओं की लहरें आने लगती हैं, तो हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो लहरों के प्रभाव के कारण कभी कभी हम नहीं जा पाते। तो उस समय तभी जो हो गया वो हो गया, उसको हम भले ही नियंत्रण न कर पाए, पर अगर वो नाव इधर जाने की जगह इधर जाने लग गई है तो अभी जो नावी है वो तूफान कम होने के बाद फिर भी उधर उस दिशा में जाती नहीं रहेगी, तुरंत फिर दिशा बदल के सही दिशा में आ जाएगी। तो जब ऐसी भावनाएं, इच्छाएं बहुत शक्तिशाली हो जाती है तो तभी भले ही हम सही कार्य न कर पाए। तो ऐसे नहीं कि उसके कारण ही हम सब कुछ चला गया हमारा। तो जैसे ही हमारी बुद्धि वापस जागृत हो जाती है, वो इच्छाएँ थोड़ी कम हो जाती है, तो हम सही मार्ग पर लग जाते हैं। तो वैसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे हम और सतर्क हो सकते हैं। मतलब कि पहली चीज़ जो है कि इफ यू गो रॉन्ग देर इज करेक्शन, जिस गलत हो गया इसके अंदर गलत करते रहना नहीं है, जो हो गया गलत पर अभी मैं सही करूँ, पर फर्स्ट इज करेक्शन, देन इज एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब हम हमारी बुद्धि से समझते हैं कि ठीक है इस परिस्थिति में ऐसी मुझ में भावनाएं आ जाती हैं। अगर मान लीजिए हम रास्ते पे चल रहे हैं, कोई रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं और पहली बार गए उस रास्ते पे, तो हमें शायद पता नहीं है कि यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है और झटका लग जाता है, पर अगली बार जब जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर स्पीड ब्रेकर धीरे जाओ। इस तरह से हम हमारे भूत में जो भी भूतकाल में जो भी हमारे हमसे बर्ताव हुआ है, किस परिस्थिति में कैसा बर्ताव हुआ है, वह अगर समझते हैं, उसका जांच करते, उसका विचार करते, समझते हैं अच्छा इस परिस्थिति में मैं ऐसे कार्य कर देता हूँ, तो एंटिसिपेशन होता है। अगर भविष्य में भी वैसी परिस्थिति आएगी अगर, तो फिर तभी हम अगर उसका अपेक्षा करके उसकी तैयारी करते हैं। तो मान लीजिए हम कुछ परिस्थिति में बहुत गुस्सा आ जाता है और हम भला भरा कुछ बोल देते हैं, तो फिर जब हम अभी से हम समझते हैं कि एक चीज़ गलत हो गई, दो चीज़ गलत हो गई, तीन चीज़ गलत हो गई, मैं सहन कर सकता हूँ, चार चीज़, पांच चीज़, पर 10 चीज़ गलत हो गई, कुछ परेशानी हो रही है, फिर 11वीं चीज़ छोटी भी क्यों ना हो तो क्या होता है, वो 11वीं चीज़ के प्रति वो सारे 10 चीज़ों का गुस्सा निकल आता है। तो फिर अगर ऐसे हो रहा है तो फिर समझ में आ गया 7, 8, 9 चीज़ अभी गलत हो गई है, तो अभी अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें मैं विचलित हो जाऊँगा पता चलता है, तो फिर उस परिस्थिति को और सावधानी से जाओ या कम से कम उस समय के लिए टाल लो, बाद में उसको देखते हैं। तो एंटिसिपेशन है, उसको हम पहले से हम खुद के भविष्य का भूत का बर्ताव देखकर हम उसके तैयारी कर सकते हैं। तो तीसरा है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति की भावना, भक्ति सीधा जितना हम करते रहेंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारी भावनाओं की शक्ति है वह भगवान की ओर जाती है। अभी कैसे कई बार हमारी भावनाएं हमें अधर्म की ओर, गलत कार्यों की ओर ले जाती है, पर जब हम भक्ति करते हैं
तो भक्ति वो भावना की शक्ति ही उसको शुद्ध कर देती है। तो उससे क्या होगा, जब हम हमको गुस्सा भी आएगा, पर अगर हमने अगर हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, तो ऐसे आदत बना लेते हैं, तो फिर जब गुस्सा भी आ जाता है, जब कोई इच्छा बहुत बढ़ जाती है, तभी हम क्या करते हैं, तब हम, क्योंकि हमने भगवान की भक्ति करने का आदत बढ़ा ली है, आदत डाल दी है, तो तुरंत मन में ये करो। जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो उससे जो भावनाएं हैं वह उसका जो इच्छा है उसकी शक्ति कम होने लगेगी। तो ये जो शुद्धिकरण है इसको समय लगेगा, पर शुद्धिकरण जब हो जाता है तो उससे हमारे जो मन को हमें गुमराह करने की शक्ति है वो कम हो जाती है, और बुद्धि को सही राह में लेने की जो शक्ति है वो और शक्तिशाली हो जाती है। ओके, कोई और सवाल है किसी का? ओके, तो पहला पॉइंट हमने देखा कि कैसे बुद्धि, मतलब यह सिर्फ हम कितने अंक प्राप्त करते हैं उस पर निर्भर नहीं है, पर किस तरह से हम कार्य करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो अभी दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो बुद्धि है वह हमें हमारी जो कंडीशनिंग्स है, हमारी जो पूर्वबद्ध अवस्था है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको और बढ़ाने के लिए। जो महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडव 12 साल वनवास में रहते हैं, और फिर उसके बाद में अज्ञातवास में कितने साल रहते हैं वो, एक साल। तो 13 साल वनवास निकाल के जब उनका समय खत्म हो जाता है, तो तभी अभी उनका जो शर्त होती है उसके अनुसार उनको उनका राज्य वापस मिलना होता है। तो तभी धृतराष्ट्र क्या करता है, धृतराष्ट्र को के प्रति के एक संदेश भेजते हैं पांडव, जो ध्रुपद राजा होते हैं, ध्रुपद राजा का ब्राह्मण आता है, बोलता है कि अभी पांडव ने अपनी जो शर्त है उसको अपनी जैसे पूरी की है, कि आप आपका पूरा करके आप आपका राज्य उनका दे दो, आधा राज्य। तो तभी धृतराष्ट्र क्या करता है, धृतराष्ट्र संजय को भेजता है, धृतराष्ट्र कहता है कि हाँ मैं बात सुनिए, मैं संजय को भेजूँगा आपके पास, और संजय को भेजता है, और वो क्या कहता है धृतराष्ट्र, अभी धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति है रामायण में महाभारत में, कि अगर हम कहें कि दुर्योधन इज द एक्टिव विलन एंड धृतराष्ट्र इज द पैसिव विलन, जो ऐसा विलन है कि जो पूरा कार्य जो करता है बुरा कार्य, वो दुर्योधन है, वो धृतराष्ट्र जो है वो बुरा होने देता है, बुरा होने से रोकता नहीं, कई बार वो भी सहयोगी हो जाता है, पर धृतराष्ट्र सहयोगी कम बार होता है, पर उसको रोकता नहीं। तो इस समय अभी धृतराष्ट्र को पता है कि वह अभी युद्ध हो जाएगा, अगर मैं उसको कुछ रोकूंगा नहीं, तो वो क्या करता है संजय को संदेश भेजता है, और संदेश में क्या कहता है संजय को, संजय कहता है पांडव से, हे पांडव अभी इस दुनिया धर्म का ऐसी पद्धति है कि व्यक्ति पहले गृहस्थ होते हैं, और फिर बाद में वो वानप्रस्थ होते हैं, फिर संन्यास लेते हैं। वानप्रस्थ में क्या होता है कि जो भौतिक जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने के बाद व्यक्ति आध्यात्म पे जोर देता है, तो तभी जो पति पत्नी होते हैं वो शायद तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे वास करते हैं, वहाँ पे सत्संग करते हैं, वहाँ पे भक्ति करते हैं। तो जो गृहस्थ से अगला जो स्तर होता, अगले जो प्रोग्रेशन होता है, अगर वानप्रस्थ होता है, तो धृतराष्ट्र क्या कहता है कि हे पांडव आप ऑलरेडी जंगल में रह रहे हो, आप ऑलरेडी वानप्रस्थ हो गए हो, अभी आप गृहस्थ क्यों बनना चाहते हैं, आप जंगल में रहो, जंगल में ही रहो, सुखी रहो, और मैं आपका आज मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो अभी यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो पहले गलत किया है वह अभी बुद्धि के स्तर पे गलत तर्क उतर करके कहना चाह रहा है कि जो अन्याय हुआ है वो अन्याय को बरकरार रखो। और जो पांडव फिर युधिष्ठिर जवाब देता है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि वास्तव में निसर्ग का नियम है
कि हर एक आश्रम में कर्तव्य होते हैं। तो कहता है कि अभी हमें हमारे पूर्वज जो है उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य है, जो ऋण है, वो हमें पूरा करना है। जो हमारे पिता ने हमें राज्य दिया था, वो हमारे जो नागरिक है उनका देखभाल करके उनका सेवा करना ज़रूरी है। तो हमारे जो कर्तव्य है हमने अभी पूरी नहीं की है, हमारे जो इच्छाएं हैं उनको तृप्ति नहीं की है। और साथ साथ धर्म की स्थापना करना यह क्षत्रियों का कर्तव्य है। भाई पांडव युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते कि सिर्फ वो एक राज्य के लिए हावी है, राज्य के लिए वो उनको लोभ है। पांडव जानते हैं कि अगर जो कौरव है, दुर्योधन जो है, अगर उसको अकेले को राजा बना दिया तो फिर वो अत्याचार पे अत्याचार कर सकता है। वैसे होते हैं जो गुनहगार होते हैं उनके भी दर्जे होते हैं। एक अधिकांश लोग अगर कुछ गुनाह करते भी हैं तो वो प्राइवेटली करते हैं, ऐसे जगह पे कोई कोई उसका साक्षी नहीं होगा। तो गुनाह एक है कि जो आप कर रहे हो पर वो किसी को पता ना चले कर रहे हैं। दूसरा है जो गुनहगार बहुत ही उद्दट हो गए हैं, बहुत ही निष्ठुर हो गए हैं, वह गुनाह खुल्लम खुल्ला करते हैं। खुल्लम खुल्ला गुनाह अगर कोई करता है तो वो और भी बुरा है। पर इससे बुरा है अगर कोई गुनहगार गुनाह करना है, वो मान लीजिए अगर किसी स्त्री पर अत्याचार कर रहा है, तो अगर वो पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस के सामने गुनाह करता है तो वैसे गुनहगार तो बहुत ही खतरनाक है। तो दुर्योधन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास करता है तो वो तीसरे स्तर का गुनाह है। जो राज्यसभा है वहाँ पे अन्याय का प्रतिकार करके न्याय होना चाहिए, पर जहाँ पे जो धर्म का संरक्षण करने वाले जब लोग मौजूद है उनके सामने वो इस प्रकार अधर्म करने का प्रयास करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अगर पूरा राज्य पे शक्ति मिल जाएगी। जब 13 साल दुर्योधन को राज्य कर रहा था वो, फिर भी उसको जानता था कि बाद में पांडव आने वाले, इसीलिए वो अपने नागरिकों को अपनी ओर लाने के लिए उनके प्रति कोई अत्याचार नहीं कर रहा था। पर अगर पांडवों के आने का खतरा रहा ही नहीं तो फिर क्या होता है, फिर पूरा अन्याय करने। कई बार ऐसे कहते हैं कि मोरालिटी इज सिंपली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि कई बार लोग नैतिक इसलिए होते हैं ना, कि ऐसा नहीं क्योंकि मूल्य नैतिक है, पर अनैतिक कुछ करने का मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिल जाएगा तो अनैतिक चीज़ें कर लोगे। तो दुर्योधन भले सही तरह से कार्य कर रहा था, फिर भी क्या हुआ, वह उसका जो भाव था वो सिर्फ मौका देख रहा था कब मैं पूरा अपना जोर डाल के अपने मन के अनुसार सारा कार्य कर सकूं। तो पांडव ऐसे अधर्मिक व्यक्ति को राजा बनाना नहीं चाहते, बनने देना नहीं चाहते। जब वो बोल तो फिर उसके बाद में जब संजय चला गया पांडव का संदेश लेके, तो बाद में धृतराष्ट्र को जवाब आया ही नहीं। कोई जवाब आया ही नहीं मतलब क्या, धृतराष्ट्र उनको राजा देने को तैयार नहीं था। तो तभी अभी युद्ध अनिवार्य हो गया, ऐसा लग रहा था अनिवार्य हो गया। तभी कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा शांतिदूत के, और शांतिदूत के रूप में जाकर मैं कौरवों को समझाने का प्रयास करूं। तो जब कृष्ण गए तो बड़ी बुद्धि से जो उन्होंने कौरवों को समझाने का प्रयास किया, तो जैसे पहले कुछ ही शब्द कृष्ण ने बोले, धृतराष्ट्र बोले तभी कि हाँ कृष्ण आप जो बता रहे वो सब सही है, मैं मानता हूँ ये, पर ये मेरा बेटा है दुर्योधन ये मानता नहीं, तो आप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझाओ। तो मतलब ये राज सिंहासन पे बैठे हैं पर वो कह रहे हैं कि मुझ में शक्ति नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि कुर्सी पे एक नेता होता है पर शक्ति किसी और नेता के पास होती है, रिमोट कंट्रोल होता है। भारत में कई बार ऐसे हो चुका है। तो धृतराष्ट्र दुर्योधन कैसी बात है। तो फिर तभी दुर्योधन
से कृष्ण बात करने लगे। और साधारणतः अगर किसी से बातचीत कोई दो व्यक्तियों में अगर झगड़ा है उसको उसको किसी निष्कर्ष पे लाना है तो चार पद्धतियाँ होती है बताई गई है। तो पता है चार पद्धतियाँ क्या होती है? साम, दाम, दाम, भेद और दंड। तो साम, दाम, भेद और दंड, इसका मतलब क्या है कि साम मतलब कि देखना कि सबसे तो पहले कृष्ण कहते हैं कि पांडव और कौरव ये एक ही वंश में हैं, सब रिश्तेदार हैं। अगर अब सब साथ में रहेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारे सामने मुकाबला नहीं कर पाएगी, तुम सारे विश्व पर राज्य कर सकते हो। तो इस तरह से बात करके बोलते हैं कि दुर्योधन, पांडव तुम्हारे शत्रु नहीं है, तुम अगर उनके शत्रु नहीं बनोगे वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं जाएगी, तुम उनके साथ में रहो। जब ये बात दुर्योधन मानता नहीं है तो भगवान कृष्ण से बता जाते हैं, फिर वो कहते हैं वो फिर दाम बताते कि अगर तुम चाह अगर तुम्हें राज्य ही चाहिए तो जो कौरव पांडव है वो भी क्षत्रिय है, उनको क्षत्रिय धर्म पालन करना है, तो तुम राज्य रख लो, उनको सिर्फ 5 ग्राम दे दो, 5 पांडव है उनको सिर्फ 5 ग्राम दे दो, तो राज्य जितना चाहिए रख लो। तो दाम की बात करते हैं, फिर उसके बाद दंड पे आते हैं। हे दुर्योधन, तुम ये समझ लो अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो पांडव तुम्हारा विनाश कर, तुम सोचते हो तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है पर याद रखो अर्जुन अकेला ऐसे व्यक्ति है, उसने सारे देवताओं की सेना को हरा दिया था। खांडव में जब सारे देवता आक्रमण करने आ गए थे अर्जुन ने अकेला उनका प्रतिकार किया था। इतना ही नहीं तो भगवान बताते हैं कि जो निवात कवच नामक राक्षस होते थे उन्होंने देवताओं को हरा दिया था और अर्जुन ने जाकर उनको हरा दिया। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास मानवों की सेना है पर अर्जुन इतना शक्तिशाली है कि मानव से बड़े देवता होते, मानव से बड़े दानव होते, देवता और दानव दोनों की सेना को अर्जुन ने हरा दिया है। तो भीम का क्रोध अभी तक कम नहीं हुआ, भी वो धर्म का मन में रखते हुए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा हुआ है, पर वो क्रोध गया नहीं है। अगर वो क्रोध रणभूमि में आएगा तो तुम सबका विनाश हो जाएगा। इस तरह से साम, भेद और दाम जब बताते हैं तो कृष्ण इतने उनका वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाती है तो वहाँ पे कई लोग उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि दुशासन कहता है कि अगर ये दुर्योधन तुम्हारी बात नहीं मानता है तो हम ये दुर्योधन को बांध कर गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले कर दो, तुम उसका जो करना है कर दो और हम संधि कर लेंगे। दुर्योधन सुनता है तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्या हो गया, दुशासन तो मेरा भाई है, हमेशा मेरे साथ में रहता है। पर कृष्ण इस तरह से बर्ताव करते बातचीत करते कि दुशासन भी दुष्ट होता है पर थोड़ी सी उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, तो तभी दुर्योधन क्या करता है, चले जाता है वहाँ से, वॉक्स आउट। तो कृष्ण उनसे बात कर रहे चला जाता है, तभी दुर्योधन चला जाता है। फिर उसके बाद में एक एक करके कौरव देखते हैं, दुशासन यहाँ पर बैठा है, दुर्योधन वहाँ पर बैठा है, क्या करें। तो अब साधारणतः दुशासन और दुर्योधन साथ में रहा करते थे पर यहाँ पे उन दोनों में भेद हो जाता है, तो दुर्योधन का नेता होता है तो एक एक करके सारे कौरव दुर्योधन के पीछे ले जाते हैं। फिर दुशासन अकेला रह जाता है, फिर दुशासन देखता है अभी मैं क्या करूँ, अकेला रह गया, वो भी चला जाता है। तो फिर दूसरे एक सभा में, दूसरे सभागृह में दुर्योधन बैठ के बात कर रहा होता है। अभी दुर्योधन भी बड़ा बुद्धिमान होता है, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि दुशासन ने मेरे खिलाफ़ बोल दिया, पर वो ये भी जानता है कि दुशासन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वो जब बातचीत करने लगता है तो उसको दुशासन दुर्योधन बैठ के बात कर रहा, तो तभी उसको दुशासन के आने के जो पैरों के ध्वनि सुनाई देती है, चलने की ध्वनि, और तुरंत बोलने लगता है वो कि कृष्ण बड़ा धूर्त है। कृष्ण धूर्त नहीं होते, वो रह सकते, कृष्ण बोलने से ऐसा मोह कर देते हैं कि कोई भी उनसे प्रभावित हो जाएगा, कोई भी मोहित हो जाएगा। तभी दुशासन देखता है, वो सोचता है कि दुर्योधन मुझे सोचता है कि शायद दुर्योधन मुझ पर चिल्लाएगा अभी, मैं ऐसे क्यों किया। तो देखता है, तभी देखो अभी दुशासन को ही देखो, दुशासन देखो कि कृष्ण कितना चालाक है कि उसकी बातों ने तुम्हें भी प्रभावित कर दिया है ना। हाँ, आज
कृष्ण बड़ा चालाक है, ऐसे बोल के वो दुर्योधन कृष्ण दुर्शासन को अपने पक्ष में पूरा कर लेते। तो तभी कृष्ण धृतराष्ट्र से कहते हैं, देखिए कि ये दुर्योधन कितना नालायक है कि इस सभा में उससे बात हो रही है और वैसे ही चला गया। तो फिर धृतराष्ट्र कहते हैं दुर्योधन को आगे देते कि आ जाओ वापस यहाँ पे। जो जब दुर्योधन वापस आ जाता है तो फिर दुर्योधन तभी कहता है कि आप लव सब लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हो। तभी क्या बोलता है वो, बड़ा दिलचस्प आर्ग्यूमेंट तर्क करता है। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ मेरे स्वभाव के अनुसार कार्य करता हूँ, और हर व्यक्ति को स्वभाव जो स्वभाव होता है वो तो भगवान ने दिया है, विधाता ने दिया हुआ है। तो जब मैं मेरे स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा हूँ तो फिर मुझे दोष मत दो, अगर दोष देना है किसी को तो विधाता को दोष दो जिसने मुझे ऐसा स्वभाव दिया। तो अभी यह क्या है, भगवान ने हमको हमारा स्वभाव नहीं दिया, हमारे पूर्व कर्मों से हमारा स्वभाव आया है, और भगवान ने हमें स्वभाव जो हमारा स्वभाव है उसके हमें स्वेच्छा दी है। तो स्वेच्छा के अनुसार हमें कार्य करना है, स्वभाव के अनुसार ही कार्य नहीं करना है। यहाँ पे स्वभाव होता है जरूर सबका, पर कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे क्रोध आता है इसलिए मैं क्रोध करूँगा, पर कोई भी व्यक्ति हमेशा, व्यक्ति कहता है मुझे क्रोध आता भी है पर अगर वो घर में अपने परिवार वालों के प्रति बहुत क्रोध करता है, पर अगर दफ्तर में अगर बॉस उसको कुछ बोलता है भला बुरा तो क्या बॉस के प्रति चिल्लाएगा, वो नहीं चिल्लाएगा। भले ही क्रोधी स्वभाव क्यों ना हो भी क्यों ना, फिर भी वो आत्मसंयम रखता है। तो हम सबका स्वभाव होता है पूर्व से, पर स्वभाव के बावजूद हम सबका स्वेच्छा होता है। सो व्हेन वी यूज आवर इंटेलिजेंस टू जस्टिफाई our conditioning, not rectify our conditioning, then we trap ourselves. जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो स्वभाव है उसको, हमारा जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको सुधारने के लिए, तो हम खुद के जीवन में अच्छा ला सकते हैं। पर जब हमारे बुद्धि का इस्तेमाल दुरुपयोग करते हैं जैसा हो उसको ही आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो प्रवृत्तियाँ हैं जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं उसको ही बरकरार रखने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, तो फिर हम कुछ आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो दुर्योधन अभी उसकी उसमें कुछ बुरी वासनाएं थी, पर जब उसने इस प्रकार का तर्क वितर्क करने लगा हो तभी इससे क्या समझता है कि वह परिवर्तन करना चाहता ही नहीं है, परिवर्तन चाहता ही नहीं था। जो व्यक्ति परिवर्तन चाहता ही नहीं है उसको परिवर्तित करना नामुमकिन कि हम तो जब हम बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि हमारे सबके पास है, बुद्धि का इस्तेमाल हमारे करना है कि न केवल जैसा हूँ वैसा उसको जस्टिफाई करने के लिए पर उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट था कि इंटेलिजेंस शुड बी यूज टू रेक्टिफाई आर कंडीशनिंग, नॉट जस्टिफाई आर कंडीशनिंग। तो किसी का कोई सवाल है इस पर अभी तक? I'll go to the last, तो मैं लास्ट पॉइंट पे जाता हूँ अभी। अभी जब अभी मैं बोला कि सबसे पहले बताया कि बुद्धि मतलब हम कैसे कार्य करते हैं उससे हम देखते हैं, यह है क्वेश्चन। थैंक यू। आपको सुनाई दे रहा था अब तक कि सुनाई नहीं दे रहा था? ओके थैंक यू। तो अभी आखिरी पॉइंट जो है इसमें कि अगर हम समझ गए कि अभी मुझ में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो मुझे कभी पदभ्रष्ट कर सकती है, गुमराह कर सकती है, और मैं समझ गया कि मुझे बुद्धि भी है जो बुद्धि से मुझे सही मार्ग पर जाना है, पर इसके बावजूद कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वह हमें किसी एक दिशा में ज़बरदस्ती ले जाती है और तभी रोकना बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसके लिए तो इसके लिए अभी हम जो हमें खुद को आत्म परिवर्तन करना है, बुद्धि को और शक्तिशाली बनाना है, तो वो कैसे होगा ये देख के हम
इसको अंत करते हैं, तो इसमें हम कभी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई ये करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, मैंने फैसला किया था मैं ऐसे करूँगा पर ऐसा हो रहा है मुझसे, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो व्यक्ति की विल पावर जो है, आत्मशक्ति जो है वो कम है। पर यह केवल एक विल पावर, दृढ़ संकल्प की बात नहीं है, यह एक प्रोसेस, यह एक पद्धति चाहिए हमें। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति को खांसी आ रही है और बार बार खांस रहा है और वो बोलता है कि मुझे खांसी नहीं चाहिए, मुझे खांसी ठीक करनी है, मुझे खांसी नहीं चाहिए, मुझे खांसना नहीं है, पर अगर वो अपने दृढ़ संकल्प अपनी इच्छा शक्ति से वो कहता है कि मैं कभी खांसी आएंगी पर खांसूंगा नहीं, उससे खांसी जाने वाली नहीं है। अगर खांसी जगह खांसी अच्छी नहीं है ना, खांसी बार बार आना, पर उसको क्या है, इच्छा शक्ति नहीं है, उसके साथ साथ एक पद्धति चाहिए। पद्धति क्या है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, और इच्छा शक्ति की इस्तेमाल किस लिए करो, खांसी को दबाने के लिए नहीं पर वो दवाई लेने के लिए। दवाई भले अच्छी न लगे, कोई ऐसे डॉक्टर बोलता कि पथ्य है ये मत लो आप, तो फिर वो न लेने के लिए जो है वो, तभी हमें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए एक है इच्छा शक्ति और दूसरा है पद्धति। तो खुद को परिवर्तन करना है तो केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, इच्छा शक्ति के साथ पद्धति चाहिए। ये पद्धति समझने के लिए एक उदाहरण दूंगा मैं। तो मान लीजिए अभी ये जो ज़मीन है, ये फर्श है, अगर ये इस तरह से इंक्लाइंड है इस तरह से, और इधर अगर कोई बहुत कुछ कीमती इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर पानी जाए नहीं, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाएगी, तो अगर वहाँ अगर यहाँ पे पानी गिर जाता है तो फिर वो, क्योंकि ज़मीन इस तरह से है तो पानी अपने आप इस तरह से जाएगा, उसको हमारी इच्छा शक्ति से हम रोक नहीं सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि पानी इस तरह से नहीं जाए तो फिर हम क्या करें, क्या पाइप पर लेके उधर ढक ले। एक्सेलेंट, द सेकेंड पॉइंट जो मैं बता, तीन पॉइंट्स है इसको, वेरी गुड, थैंक यू। तो अगर हमें पानी इधर नहीं जाने देना है तो हमें तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। एक है रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, कोई छोटी सी दीवार बना लो जिससे कि पानी वहाँ तक पहुँचे नहीं, रोक लगा। तो एक है, दूसरा है जो आपने बोला रीडायरेक्शन, कि कोई वाइपर या कुछ लेके पानी को उधर ढकेगा। और तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन, कि वो जो फर्श है वो अभी ऐसी है, फर्श को ऐसी बना दो, तो जब फर्श ऐसी बन जाएगी तो फिर वह जो है पानी अपने आप उस दिशा में जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जब हम खुद के हम सब कुछ वृत्तियाँ होती है, कुछ इच्छाएं होती है, कुछ भावनाएं होती है, कुछ वासनाएं होती है, वो एक दिशा में हमारे विचारों को ले जाती है। हमारे मन की अगर फर्श को हम, अचेतना के फर्श को हम ऐसे देखते हैं तो हम सब की फर्श जो है एक दिशा में अभी टिल्ट हो गई है, झुकी हुई है, तो हमारे विचार उस तरफ अपने आप चले जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर एडिक्ट हो गया है, मतलब कोई शराबी बन गया है, तो उसका क्या होता है, तो थोड़ा टिल्ट नहीं है वो, ऐसा बहुत ही टिल्ट हो गया है, तो उस तरह से एकदम तेज़ी से वो चला जाता है उस दिशा में। तो वहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं पर वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। तो हम सब की जब आसक्तियाँ होती है वो इस तरह से होता है, जो फर्श है थोड़ा झुका हुआ है। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कि जो चीज़ें हमें प्रलोभित करती है, जो चीज़ें हमें उत्तेजित करती है, उनसे थोड़ा संपर्क कम करें। इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जो चीज़ हमें दिखती नहीं है वह क्या होता है, उससे दूर रहना आसान हो जाता है। मैं अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, वहाँ पे गूगल कंपनी में मैं क्लास दिया था माइंडफुलनेस पे, तो वहाँ पे गूगल में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका वर्णन कर रहा था। क्या था कि वहाँ पे कई लोग, क्योंकि कंप्यूटर का नौकरी जो होती है वो एक जगह बैठ के करनी होती है, तो कई लोग ओबेस हो जाते हैं और फिर उसके कारण वज़न बहुत बढ़ जाता है, तो फिर उससे उनका सेहत ख़राब होती है, फिर कंपनियों को उसका हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनका जो कैफेटेरिया था वहाँ पर, जो गूगल कंपनी में, वहाँ पर जो भी डेजर्ट थे, जो भी स्वीट्स थे, वह उन्होंने ऐसे किया कि वो स्वीट्स को जो बक्से थे या कंटेनर्स थे वो सबको कवर कर दिया, वो स्वीट्स को बना नहीं किया, निकाल नहीं दिया, स्वीट्स सब थे वहीं पे,
पर वह जो दिखाई नहीं दिया, तो उनको पता देखा कि 6 महीनों में सिर्फ ऐसा करने से लगभग 30% द कंजम्पशन ऑफ डेजर्ट्स वेंट डाउन। जो मीठे जो ऐसी चीज़ें सेहत को ख़राब कर सकती है, जो मोटापे को बढ़ा सकती है, वो कम हो गया, जो खाना कम हो गया। क्या हो गया इसे? एक रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो छोटा छोटा सा रेस्ट्रिक्शन भी होता है तो फिर क्या होता है, उससे जो हमारी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है वह अगर आसानी से मिल जाता है तो हम कर लेते, नहीं मिलता है तो छोड़ दो उसको। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन हम ला सकते हैं। दूसरा है जैसे कहा रीडायरेक्शन, जैसे आपने बताया कि हम पानी को ढकेलना है किसी वाइपर के साथ। तो अभी जब हमें हमारे मन में कुछ इच्छा आ जाती है, कुछ भावना आ जाती है, तो उसको ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है, मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो हाँ हमें ना बोलना है, पर उसको जोर ना बोलने पर नहीं देना है, जोर हमें हाँ बोलने पर देना है। हाँ बोलना मतलब कि जब कोई विचार मन ड्रिवन आउट ऑफ द माइंड बट दे कैन बी क्राउडेड आउट ऑफ द माइंड। अगर हमारे मन में से हम इच्छा निकालने का प्रयास करते हैं, वो कैसे है कि अगर ये ग्लास है, अगर ये ग्लास खाली है मान लीजिए, तो खाली नहीं रहेगा, उसमें क्या आ जाएगा, वायु आ जाएगा, हवा आ जाएगी। अगर हवा को निकालना है तो बड़ा मुश्किल है, निकाल भी लूँगा कुछ समय के लिए पर थोड़ा सा कुछ हल जाएगा तो हवा उसमें आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ उसमें हवा नहीं हो तो मुझे उसमें पानी भरना है, अगर पानी से भर जाएगा वो तो हवा नहीं रहेगी उसमें। इस तरह से हमें अगर हमारे में कुछ इच्छा आ भी रही है, मैं ये सोचूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं, ऐसे नहीं, हमें कुछ और हमारे मन में डालना है। तो जैसे मैं पहले बताया था, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जो अच्छी है, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, उन दोनों के बीच में जो है, हम हमारे जीवन में देख सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो अच्छी भी है, मुझे अच्छी भी लगती है, वह अगर हम करते हैं तो वह आसानी से कर सकते हैं और उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें खुद को अन्वेषण करना है कि मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें क्या है, खास करके अगर भक्ति में कोई चीज़ है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है तो वह अच्छा दिव्य संगीत है, दिव्य ध्वनि है, तो वह सुनते हैं तो मन शांत हो जाता है। शायद हमको भगवान की कोई लीला अच्छी लगती है तो फिर उस लीला का चित्र हम भगवान के सामने से, भगवान को दर्शन अच्छा लगता है वह रख सकते हैं, कुछ सत्संग कुछ प्रवचन अच्छा लगता है तो फिर वह उसके जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब पे हम फेवरेट बना के रख सकते हैं। जब वो सुनते हैं, जब वो देखते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे विचारों को कहीं और जाने का एक चैनल मिल जाता है। तो जब वो पानी इधर जा रहा है उसको उधर जाने का मौका मिला देंगे हम, तो वो चला जाएगा उस दिशा। और आखिरी जो है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, जितना हम भक्ति करते हैं, तो एक है कि हम भक्ति में चीज़ों को कभी कभी करते हैं। जैसे मैं अमेरिका में था तो मेरे भाई अमेरिका में नौकरी करता है, तो उसका एक मित्र था, उससे वो मुझे मिलने आया था, कहा कि मैं रेगुलरली मंदिर जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितना रेगुलर जाते हो आप? बोला हर साल जन्माष्टमी में जाता हूँ। अभी अच्छा है, उसे को साल में एक बार तो जा रहे हैं, पर अगर दुनिया दिन के साल के 364 दिन अगर हम भौतिकवादी वातावरण में रह रहे हैं तो उसमें से एक दिन कुछ घंटों के लिए हम मंदिर में जाएंगे तो उससे ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अगर हम भक्ति एक साधना के रूप में करते हैं, साधना मतलब रोज़ कुछ जप करना, रोज़ कुछ भगवान की पूजा करना, कुछ नियमित रूप से कुछ सत्संग करना, कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ऐसा अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे चेतना की जो फर्श है वो बदल जाती है। क्योंकि भगवान की ओर हम जितना हम भक्ति करते हैं, भक्ति केवल एक रीति रिवाज नहीं है, भक्ति वास्तव में एक आत्म परिवर्तन का एक माध्यम है। जितना हम भक्ति करते हैं उससे हमारे भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़ जाती है। मई आसक्त मनहा, और जब हम भगवान के प्रति आसक्त जाते हैं तो क्या होती है, मन चेतना स्वाभाविक रूप से उनकी ओर जाने लगती है। और जब यह हो जाता है तो जो आत अंदर का संघर्ष है वो काफ़ी कम होने लगता है। तो उस तरह से हम खुद के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और फिर ऐसे भगवान बताते हैं, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम
उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मशम। वो कहते हैं कि जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो प्रशांत मनसम मन शांत हो जाता है। योगिनम सुखम उत्तमम, स्वाभाविक रूप से हमारी चेतना जो भगवान को जाती है तो भगवान के स्मरण में, भगवान के मनन में एक दिव्य आनंद होता है, सुख उत्तम उत्तम सुख मिलता है उसमें। उपैति शांत रजसम, और उस समय जो ऐसी शांति मिलती है जो इस भौतिक जीवन में उपद्रव तो होते रहेगी पर उससे प्रभावित नहीं होगी। और ब्रह्म भूतम कल्मशम, हम खुद को समझ लेंगे कि मैं वास्तव में ब्रह्म हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उस तरह से हम इस भौतिक जगत में जो कलमश आते रहेंगे उसके परे हम जा सकते हैं। तो अध्यात्म हमें ऐसे नहीं कहता है कि हम जब भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में कोई तूफान नहीं आएगा। जब सागर में है तो लहरें आएगी, तूफानें आएगी, पर भक्ति हमें बताती है कि अगर हम भक्ति की साधना करते हैं तो हमें ऐसी नाव मिल जाती है जो कभी डूबेगी नहीं। वो नाव जब मिल जाती है तो तूफान आएगा भी, तूफान से हम आगे बढ़ के हमारा जो गंतव्य है उसकी ओर जा सकते हैं। तो सारांश में हमने चर्चा की किस तरह से हम हमारे बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तीन पॉइंट देखे। पहला पॉइंट था कि बुद्धि ये केवल हमारे अंकों से नहीं दिखी जाती है, वो हमारे कार्यों से देखी जाती है। आजकल की शिक्षण पद्धति हमें अंक कैसे मिलाने बताती है पर कैसे सही कार्य करना ये नहीं बताती। इसलिए इस कारण कोई बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में भी विद्यार्थी बुरी हालतों में फंस जाते हैं, कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि ये कार्य के पद्धति संबंध जो बुद्धि है उसका विकास करना है तो हमें शास्त्र की ओर अध्ययन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें देखा किस तरह से कि हमारी जो भी बुद्धि है उसका इस्तेमाल हमें करना है, हमारी जो परिस्थिति है मनस्थिति है उसको सकारात्मक से परिवर्तित करने के लिए, उसको जैसी है उसको पर वैसे बरकरार रखने के लिए नहीं। इंटेलिजेंस शुड बी यूज टू रेक्टिफाई आवर डिज़ायर्स नॉट जस्टिफाई दैम। और देखा कि बुद्धि से हमारे जो कार्य होते हैं वह पूर्व कर्म, हमारा परवरिश, हमारा संग, हमारी स्वेच्छा और भगवान की कृपा, इनसे होता है। तो हमें क्या करना है कि हमारी स्वेच्छा को और शक्तिशाली बनाना है। और जो जो पूर्व कर्म या परवरिश से जो नकारात्मक कुछ प्रभाव आते हैं उनको और कम करना है। और यह अगर करना है तो यह केवल एक स्वेच्छा की बात नहीं है, इसके लिए एक पद्धति है। और वो पद्धति इच्छा शक्ति और पद्धति दोनों साथ में लाते हैं। इसके लिए हमने देखा कि तीन चीज़ें हैं। अगर फर्श में पानी इधर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए एक है कि रेगुलेशन, तो जिस चीज़ों में हम उत्तेजित होते हैं उसमें कुछ संयम लाए, उसमें कुछ बाधा लाए कि हम रोक लाए जिससे कि उस दिशा में जाए नहीं। दूसरा है रीडायरेक्शन, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है और जो चीज़ें अच्छी है उन दोनों के संयम में समन्वय में हम ऐसी कुछ चीज़ें हमारे साथ रखें जो करने से हम हमारे मन में जब बुरी चीज़ें आती है तो उनका प्रतिकार कर सकते हैं। मन को खाली नहीं कर सकते हैं पर अगर सकारात्मक चीज़ें भर देते हैं तो फिर वो बुरी चीज़ें उसमें नहीं रहती है। और आखिरी कि रिकन्स्ट्रक्शन, कि जब हम मन को भगवान से, भक्ति केवल एक रीति रिवाज के रूप में नहीं भक्ति एक साधना के रूप में करते हैं नियमित रूप से, तो फिर उससे हमारा मन भगवान की ओर आसक्त हो जाता है। और उससे फिर हमारी जो बुरी इच्छाएं, बुरी वासनाएं, वो सब उनसे शुद्ध होके फिर हम हमारे जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। अध्यात्म से हमारे जीवन में तूफान से चली नहीं जाएगी पर हमें ऐसी नाव मिल जाएगी जो हम तूफानों के होते हुए भी हम बिना डूबे हुए जो हमारा अंत गंतव्य है वहाँ तक जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसके कोई सवाल है? ठीक है, नो क्वेश्चंस। एक्सटेंशन है बोलिए। yes,
सुनते नहीं है, मीन्स पढ़ाई का ले लो या कुछ भी काम का घर का बोलो या स्पिरिचुअली शायद वो टेबल आप ला सकते हैं। वो इधर लेके आएंगे तो लैपटॉप यूज कर सकते हैं। स्मूथ इज अदरवाइज इसको मूव कर लो, इट्स इजीयर आई थिंक। तो जब बच्चे हमारी बात बड़े हो जाते तो मानते नहीं हमारी बात, तो कैसे है कि इसमें दो चीजें तो बच्चे जब बड़े होते हैं हमारी बात सुनते नहीं हैं, तो उसमें तभी हम क्या कर सकते हैं। तो वास्तव में कि खास करके जो टीनेज होता है, जो युवा अवस्था है, उसके पहले की अवस्था होती है, वो बच्चों के लिए भी एक बहुत टर्बुलेंट फेज होता है। कैसे होता है कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 10 साल से पहले होते हैं, तो उनका जो आइडेंटिटी होता है क्या है कि आई एम द सन ऑफ सोन, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, वो उनका इनकी पहचान होती है। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी कोई अपनी डिग्री है, एक नौकरी है, उनकी एक खुद की पहचान होती है। तो जो टीनेज में होते हैं वो 10 से 15, 18, 20 साल के बच्चे जो होते हैं, तो क्या होता है वो भी इतने बड़े हो गए हैं कि सिर्फ मैं इनका बेटा इनकी बेटी हूँ ये पहचान से वो संतुष्ट नहीं है। पर अभी तक उनकी खुद की कुछ पहचान नहीं बनी है, उनके हाथ में कोई अभी उनकी कुछ अपनी हैसियत नहीं है, तो उस समय वह अपनी पहचान खोजने का प्रयास करते हैं। और वो पहचान कहाँ से लाएंगे, वो उसमें पीयर प्रेशर जो होता है वो बहुत आता है। जिस प्रकार के संघ में रहते हैं, जो प्रकार के बाकी विद्यार्थी होती है, बाकी मित्र होते हैं, उन सब में वो एक ऐसी पहचान जाता है कि जिससे उनको खुद को अच्छा लगे, दुनिया उनको लगे अच्छे। तो कभी कभी वो उस प्रेशर के कारण कई बार ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए। उनको लगता है कि मेरे माता पिता जो है हमेशा बहुत पाबंदी लाते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और मुझे पाबंदी नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। तो फिर उस समय जब ऐसे होता है तो हमें समझना चाहिए कि ये एक फेज़ है, ये एक दशा है जिसे सब गुजरते हैं। एक अमेरिकन थिंकर मार्क ट्वेन वह कहता है कि मैं जब 15 साल का था तो मेरे पिता मूर्ख थे, अभी मैं 25 साल का हो गया हूँ और मुझे आश्चर्य लगता है कि मेरे पिता ने 10 साल में इतना कैसे सीख लिया। तो अभी ऐसे नहीं कितना है 10 साल में सीख लिया, पर क्या है वो उज्जारधारा उस व्यक्ति को 15 साल के जब होता है, 25 साल के तो काफ़ी बदल जाती है। 25 साल के जब होते तो जिम्मेदारी आने लगती है खुद, तो फिर और परिपक्व हो जाता है। तो इसलिए वह उस दशा में उस जो भी होता है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे था
वहाँ पे बुक स्टॉल के पास जा रहा था मैं, तब मैं देखा एक किताब का टाइटल था, वेयर डिड माई चाइल्ड गो, मेरा बच्चा कहाँ गया। फिर मुझे लगा ये शायद कोई कोई मिस्ट्री नॉवल होगा कि कोई बच्चा किडनैप हो गया और माता पिता, मेरा बच्चा कहाँ गया। पर वास्तव में वो किताब क्या था, वो पेरेंटिंग के बारे में था। बोले थे कि जो बच्चे जब नौजवान हो जाते हैं, तो जो छोटा बच्चा था तो इतना मासूम था, इतना होना था, पर अभी ये 15-16 साल का हो गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कौन व्यक्ति उसकी जगह पे आ गया। ऐसा तो ये जो भाव है ये सब जगह पे, ऐसा नहीं है कि हमारे 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 लिए ही है। तो ये एक नैसर्गिक फेज है, तो उसमें जस्ट हैव टू डू द बेस्ट दैट वी कैन। ये हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को केवल 3 पद्धतियों से प्रभावित कर सकता है, हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसे तो उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तो जब बड़े बड़े होते हैं तो वो नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या है कि हम इसको इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटनमेंट, एंगेजमेंट और एनकरेजमेंट। मतलब हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, एनलाइटनमेंट मतलब हम बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं कि ये कार्य करोगे तो इसका ये परिणाम होगा, ये कार्य करोगे तो इसका ये परिणाम होगा। कई बार वो जो कार्य का परिणाम होता है वो हमें पता होता है, हमको लगता है तो सर्वज्ञात सबको पता होना चाहिए, तो इतनी सीधी बात है, तुम ये मत करो, अभी ये मत करो, जब हम बताते हैं क्यों मत करो, ऐसे सवाल आता है। और इन जनरल जैसे होता है कि खास करके नौजवानी में अगर कोई चीज़ मत करो बोले तो करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ये मत करो बोलने की जगह पे ये करने का प्रभाव क्या होगा, ये उनकी भाषा में उनको समझना, मतलब एनलाइटनमेंट मतलब ये कार्य और उनके परिणाम, वह अगर हम उनको समझाते हैं तो ये पहली चीज़ है। दूसरा है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कि हमें अगर हम चाहते हैं कि वे ऐसा करें या ऐसा मत करें, तो फिर जो सही कार्य जो हम चाहते हैं वो करें, उस वो उसके लिए सुविधा प्रदान करें। सुविधा मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सत्संग में आए और सत्संग में थोड़ी भक्ति करें, तो भक्ति करना अच्छी बात है, पर शायद उनको जो बड़े लोगों के लिए प्रवचन हो रहे हैं उसमें बैठना इतना आसान नहीं है, तो फिर उनके लिए कुछ अलग सत्संग कार्यक्रम हो, उनके लिए कुछ ड्रामा हो, उनके लिए कुछ संगीत हो, तो जो भी हमें करना है हमारे लिए शायद वो आसान लगता हो, पर उनको करने के लिए वो सुविधा देनी चाहिए। तो तुम इसे क्यों कर नहीं कर रहे हो पूछने की जगह पर उनको ऐसे सुविधा दें या कि वो कर सकें, जैसे मैं बताया कि पीयर प्रेशर होता है कि उनको उनके सोशल उनके जो बाकी मित्र होते हैं उसके उनका प्रभाव होता है, तुम ऐसे करो ऐसे करो, ये करो, ये खाओ, ये देखो, ये करो, तो फिर उसके कारण कई बार वो उनको भले जो करना चाहे बोले वो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सुविधा प्रदान करना, सुविधा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अच्छे अच्छे दूसरे लड़के हैं, कुछ और भक्तों के लड़के हैं, तो उनका एक समूह बनाए, कुछ यूथ फोरम बनाए, जिसमें कि वो उस संघ से प्रभावित हो, ना कि दूसरे संघ से प्रभावित हो। तो सुविधा का निर्माण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम बोले तुम ये करो ये करो ये करो, पर उनके लिए उतना आसान नहीं होगा जितना हमें लगता है। और तीसरा है एनकरेजमेंट, मतलब ये इस दिशा में मत जाओ, इस दिशा में जाओ, ये और ये इस दिशा में जाने के लिए रास्ता है, और उसके बाद में वो जो रास्ता है उस पर अगर वो एक दो कदम भी आगे चलते हैं तो उसको इंक्रीज करो, अप्रिशिएट करो। उसका क्या होता है कि हम जब देखते हैं कि वो कुछ हम बोलते हैं वो करते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं करते, तो जो नहीं करते हैं वो उस पर ही हम उनके लिए डांटते हैं, उस पर ही हम उस पर जोर देते हैं, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो कैच देम डूइंग राइट नॉट डूइंग रॉन्ग, जो कोई सही करते हैं उसकी सराहना करें, उससे फिर उनको प्रेरणा मिलती है। फिर क्या होता है कि भले ही वो कुछ गलत कार्य करें तो हम उनको बता सकते हैं गलत है, पर हम जब वो सही कार्य करें तभी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उससे फिर क्या लगता है कि उनको लगता है कि मेरे माता पिता सिर्फ मुझे पाबंदी नहीं दे रहे, उनसे वास्तव में प्रेम करते हैं, वो मेरी भी भावनाएँ समझते हैं और फिर वो मेरी सराहना करते हैं। इस तरह से जब हम करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो भले ही इस दशा से जाएगी, वो उसमें कुछ गलत कार्य हो भी जाएगा कभी कभी, हमारी बात सुनेगी नहीं, पर वो जो है
संबंध बना रहे, और संबंध जरा बना